नमस्कार सभी को। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फ्लैग कैसे लगाते हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर, बहुत सारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं जो थोड़ा फियर करते हैं फ्लैग लगाने में। रीज़न कि लगता है कि इंडियन फ्लैग है तो कहीं उल्टा ना फैर जाए, कहीं सही टाइम पे खुले ना, या फिर कुछ और गलती ना हो जाए। तो बहुत सारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स और बहुत सारे बच्चे इसको ट्राई नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स ही नहीं, ये हर टीचर को आना चाहिए। तो आप लोग इसको सीखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बहुत सारे तरीके होते हैं फ्लैग बांधने के, लेकिन उनमें से एक जो तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज, और वो बहुत आसान है। अगर आप उसको एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा और लाइफ में आगे आने वाले टाइम में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि फ्लैग कैसे लगाते हैं। नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग को फ्लैग होइस्ट, फ्लैग अनफर्ल, फ्लैग रेस करना पड़ता है। 15 अगस्त में लोग फ्लैग रेस करते हैं, 26 जनवरी में फ्लैग अनफर्ल करते हैं। तो अभी जैसा कि 26 जनवरी आ रही है तो मैं आप सबको सिखाना चाहूँगा कि फ्लैग अनफर्ल कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले उसको ऊपर लगाया कैसे जाता है मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ़्लैग चाहिए, रोप होनी चाहिए, पोल होना चाहिए, और अगर पोल में पुली है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हो ऊपर आपको पुली दिख रही होगी, रोप है, पोल है, और हमारे पास फ्लैग है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि फ्लैग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले फ्लैग को आपको ऐसे फोल्ड करना है हाफ़ में। देखिए, सबसे पहले आपको फ्लैग को फोल्ड करना है हाफ़ में। ये हमने हाफ़ में फोल्ड कर लिया, ठीक है। ऐसे हाफ में फोल्ड करना है, फिर जो वाइट वाला पार्ट है, अशोक चक्र वाला पार्ट है, उसको ग्रीन की तरफ लाना है। देख सकते हैं आप, ग्रीन की तरफ हम ले आए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑरेंज वाले साइड वाले पार्ट की साइड उसको छोड़ेंगे और वाइट के इस तरफ ला के उसको ले आएंगे, ताकि जो वाइट वाला पार्ट है हमारा बीच में आ जाए। देखिए, हमने ये किया, हमारा जो ऑरेंज है, ग्रीन है, वाइट वाला पार्ट एक लाइन में आ गया है। ऐसे ही आपको पहले इसको फोल्ड कर लेना है। फिर जो सेकंड प्रोसेस है, अब वो देखिए बच्चा जो कर रहा है वैसे करना है आपको, एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे लेके आना है। उसको थोड़ा टाइट पकड़ना है। अभी मैं बच्चे के साथ था तो बच्चा उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था, लेकिन ऐसे ही करना है। जितना अच्छा ये होगा, फोल्ड होगा, उतना अच्छे से ये रेज होगा। तो और लास्ट में, एंड में आपको ग्रीन वाली साइड से रोटेट कर देना है। ग्रीन वाली साइड से देख सकते हैं आप, रोटेट कर दिया है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके एंड। ये जो ऐसा लूप वाला दिख रहा है, ये आपका बैक साइड का है, ग्रीन साइड का है, और ये जो हेड लगा हुआ है ये आपका ऑरेंज साइड का है, ऑरेंज साइड की तरफ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो फ्लैग हमारा है जो उल्टा भी रेज हो सकता है, उल्टा भी अनफर्ल हो सकता है। तो उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम लोग को देखना है रोप। रोप में दो पार्ट हैं, एक फ्रंट साइड निकली होगी और एक बैक साइड निकली होगी। आप देखेंगे अभी रोप जो है, एक फ्रंट साइड मतलब पुली के फ्रंट में है और एक पुली के बैक में है। तो हमें यही देखना है, जो फ्रंट वाला है उसको ऑरेंज साइड वाले हेड साइड, जो ऑरेंज वाला साइड है उधर बांधना है, और जो बैक वाला साइड है पुली के बैक साइड वाली वो जो रोप तो एक ही है, जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको ग्रीन वाले साइड में बांधना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे बांधते हैं। तो सबसे पहले हमें लूप बनाना है। अब ये मैंने क्या किया होगा, मैंने ये ना, अगर मैं ये जैसे बाहर से ले रहा हूँ तो डेफिनेटली सी बात है ये मैंने जो बाहर वाला है ये फ्रंट साइड वाला होगा। ये देखिए, इसमें मुझे लूप बनाना है। इसमें मैंने लूप बना लिया है। अब इसको मैं ऑरेंज वाली साइड में ये जो पार्ट है हमारा रोप का, ये फ्रंट साइड है, तो इसको मैं ये देखिए ऑरेंज वाली साइड में जिसमें ऐसा हेड निकला रहता है इसमें कर देंगे। देखिए, ये हमारा रोप का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको मैंने ऑरेंज के हेड वाले साइड, जो ये ऑरेंज का हेड वाला साइड है, यहाँ पे बांध दिया है। और ये जो है ये बैक वाला साइड है, ये हमारा बैक वाला साइड है जो रोप का है, बैक वाला पार्ट है, इसको मैं इस जो ये हमारा ये रस्सी है इसके अंदर से ला के लूप बना के इसको बांधूँगा। देखिए, और लूप कैसे बांधते हैं आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है इसमें।
बहुत ही आराम से। इसको आप आराम से थोड़ा बार बार देख के, एक दो बार कोशिश करेंगे तो आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगा। मेन इसमें क्या है, इसमें कौन सी रस्सी, कौन सा वाला पार्ट किस वाले पार्ट में बनेगा, कैसे फोल्ड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार बांध लेंगे, एक दो बार बांध लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको जो ग्रीन वाली साइड वाला पार्ट है रोप का, ग्रीन वाली साइड, ये देखिए, ये जो मैं अभी हाथ में पकड़ा हुआ, ये ग्रीन वाली साइड है, इसको ऐसे घुमा देना है। इसको घुमा दिया, अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा टाइट कर दूंगा, और यही जो ग्रीन वाली साइड का पार्ट है, ग्रीन वाली साइड वाला जो रोप है, सॉरी, उसको मैं उसी को पकड़ के नीचे करूँगा, ताकि जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो ऑरेंज के हेड वाला पार्ट है, वो ऊपर आता रहे। तो ऐसे ही मैं इसको नीचे करूँगा ग्रीन वाले पार्ट को, और ऑरेंज वाला ऊपर जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो फ्लैग है वो सही तरीके से अनफर्ल होगा, ऑरेंज वाला साइड ऊपर ही रहेगा और ग्रीन वाला साइड नीचे रहेगा। देखिए ये लग चुका है, अब मैं इसको यहाँ पे नीचे सपोर्ट के लिए बांध देता हूँ, ताकि ये फ्लैग नीचे ना आए। इसको मैंने घुमा के लगा दिया है।